शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 18/1/13। तो आज है हमारे प्यारे प्यारे शिव बाबा के प्यारे और न्यारे भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में स्वयं शिव भगवान ने अवतरण लिया, स्वयं शिव भगवान ने प्रवेश किया और हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं दी इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने की और हम बच्चों को पतित से पावन बनाने की और वापस अपने घर ले जाने की। तो आज है पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति का पुण्य पावन दिवस। तो आज की तारीख है 18/1/13। सब अमृत वेले से लेकर के अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की विशेष याद के साथ शिव बाबा की याद में खूब सभी आज वरदानों से झोली भर रहे हैं और खूब आज योग से कमाई करना शुरू किया है। तो अभी हम सभी मुरली के महावाक्य सुनेंगे। तो ज्ञान मुरली के महावाक्य का शीर्षक, जो कि पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर उच्चारण किए गए हैं, तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ, बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे कि यह तो जैसे देवता है। प्रश्न है आज का, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए कौन सा शौक होना चाहिए? उत्तर है, हृदय को शुद्ध बनाना है तो योगी बनने का शौक होना चाहिए। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चे डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो और बाप को याद करो। तो आज तो हमें विशेष इस अभ्यास को करने के लिए मदद मिलने वाली है, क्योंकि यह दिन है ही हमें अशरीरी बनाने का स्मृति दिवस। वरदान है आज का, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे, तो ये तख्त हुआ या चिंता? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देखते रहो कि वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। इसी फकुर में रहो तो सब फिक्रातें चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और हम तख्त नशीन बनेंगे, न कि चिता पर बैठने वाले चिंतित। स्लोगन है आज का, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा रूहों का आवाहन कर, आत्माओं का आवाहन कर, रूहानी सेवा ही सच्ची सेवा है। तो आज हम पूरे विश्व की आत्माओं को आकर्षित करेंगे और अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बाप का
संदेश उनको देंगे और उनके प्रति शांति और सद्भावना के वाइब्रेशंस देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।